नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं मनोज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्सर रिवर क्रूज का वर्चुअली उद्घाटन किया। अक्सर रिवर क्रूज एक फ्लोटिंग रेस्तरा है और यह अक्सर ट्रेवल्स, अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम रहा है। क्या है अक्सर रिवर क्रूज की विशेषताएं, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्सर रिवर क्रूज का वर्चुअल उद्घाटन किया। अक्सर रिवर क्रूज एक फ्लोटिंग रेस्तरा है और यह अक्सर ट्रेवल्स, अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम रहा है। रिवर फ्रंट पर रिवर क्रूज शुरू थई रही छे, ए अहमदाबादियों माटे अने अहमदाबाद आवता टूरिस्टो माटे खूब मोटू नजराणू ने आकर्षणनू केन्द्र बनवानी छे। मित्रों, मने आजे हूँ दूरथी तमारी जोड़े वीडियो थी बात करू छू, परंतु हूँ अहमदाबादियों जरूर कहीश कि मने पण खूब मन छे मारा परिवार साथे आ रिवर क्रूज पर हूँ पण भोजननो आनंद मानू। अने मारा मनमां निश्चित आयोजन छे कि ज्यारे हूँ अहमदाबाद आईश त्यारे निश्चित रूपे रात्रे रात्रिनू भोजन आ क्रूज पर लई सौ अहमदाबादियोनी साथे क्रूजनो आनंद मानीश। 162 की क्षमता वाला क्रूज यात्रियों को भोजन के साथ 1.5 घंटे की यात्रा पर ले जाएगा। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में आग से बचाव के लिए स्प्रिंकलर की सुविधा, एक लाइफ बोट, लाइफ जैकेट और सुरक्षा के लिए अन्य सुविधाएं होती है। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की आत्मा बन गया है। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार रिवर फ्रंट की कल्पना की और इसके लिए योजना बनाई और इसका निर्माण उनके कार्यकाल में किया गया था। अब यह न केवल अहमदाबाद में बल्कि पूरे देश में जाना जाता है और विदेश में। शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने यह भी कहा कि फ्लोटिंग रेस्तरा में आग से बचाव के लिए स्प्रिंकलर सुविधा, एक लाइफ बोट, लाइफ जैकेट और सुरक्षा के लिए अन्य सुविधा होती है। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई पहल की जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता अजीत की डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद पहला बयान दिया, क्या महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन मिल गया, अब सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी महाराष्ट्र सरकार, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता अजीत पवार के डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद पहला बयान दिया है। शिंदे ने अजीत पवार का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को अब ट्रिपल इंजन मिल गया है, अब सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, अजीत पवार के अनुभव का फायदा होगा। डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है, बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। एकनाथ शिंदे ने कहा, कैबिनेट में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय है, हम महाराष्ट्र के विकास के लिए एक साथ आए हैं। विपक्ष को लोकसभा चुनाव में 4 से 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वे ऐसा करने में भी कामयाब नहीं होंगे, विपक्ष को उतनी सीटें मिलना भी मुश्किल होगा। महाराष्ट्र के नवनियुक्त डिप्टी सीएम अजीत पवार के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल होने से शरद पवार और महाविकास अघाड़ी को झटका लगा है। अजीत पवार गुट ने दावा किया है कि उनको 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार राहुल गांधी से शरद पवार की नजदीकी से नाराज है। वर्तमान में महाराष्ट्र में एनसीपी में 53 विधायक है, जिनमें से 40 विधायक बगावत करके अजीत पवार के साथ हो गए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। एनसीपी में टूट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने जेडीयू और आरजेडी पर हमला बोला, क्या कहना है जेडीयू और आरजेडी का, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार बगावत करते हुए शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने रविवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं उसको लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है।
बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर आरजेडी को जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि पारिवारिक राजनीतिक दल के लिए यह घटनाक्रम एक नसीहत है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी हुआ वहां किसी भी पारिवारिक राजनीतिक दल और निजी पॉकेट की दुकान के लिए नसीहत है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी एनसीपी के साथ हुई घटनाक्रम में अपने भविष्य का दर्शन कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक है और ऐसा माना जा रहा है कि उनमें से 30 विधायक अजीत पवार के साथ है। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों का अजीत पवार के साथ आना जरूरी है। हालांकि पार्टी के ज्यादातर विधायक शरद पवार के समर्थन है, इस स्थिति में उनका पाला बदलना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ही बगावत से एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। जाने कौन है अजीत पवार की पत्नी और क्या है अजीत पवार की संपत्ति, देखें रिपोर्ट अंदर की बात में। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने रविवार 2 जुलाई को राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। इसके बाद से अजीत पवार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आइए ऐसे में जानते हैं उनकी पत्नी के बारे में, वह क्या करती है और कितनी संपत्ति की मालकिन है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की एक अलग ही पहचान है। सुनेत्रा प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान विद्या प्रतिष्ठान की ट्रस्टी है। वह 2011 से वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप फोरम फ्रांस के थिंक टैंक की सदस्य थी। वह अपने एनजीओ एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया के जरिए पर्यावरण जागरूकता को लेकर काम करती है। सुनेत्रा पवार मल्टी टैलेंटेड मानी जाती है। अजीत पवार और उनकी संपत्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2021 में धन त्रयोदशी के दिन आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त करके नोटिस जारी किया था। इसमें दक्षिणी दिल्ली में स्थित करीबन 20 करोड़ का फ्लैट शामिल था। निर्मल हाउस स्थित पार्थ पवार ऑफिस की कीमत करीब 25 करोड़ है। जरन देशवर शुगर फैक्ट्री करीब 600 करोड़ का है। इसके अलावा गोवा में रिसोर्ट जिसका नाम नीलवा, उसकी कीमत 250 करोड़ है। करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का जिक्र हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। ब्रेक के बाद अंदर की बात में स्वागत है, देखते हैं अगली रिपोर्ट। फ्रांस हिंसा विवाद मामले, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े बताए जा रहे एक प्रोफेसर के ट्वीट को उसके बाद योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्वीट द्वारा, ट्विटर अकाउंट द्वारा रीट्वीट किया गया। इसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। फ्रांस हिंसा मामले के बीच सोशल मीडिया पर योगी को फ्रांस भेजने की मांग की। ट्विटर पर छिड़े सियासी जंग, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रोफेसर एन जॉन कैम के एक ट्वीट और उन पर हुए रीट्वीट ने ट्विटर और राजनीति दोनों की दुनिया में खलबली मचा रखी है। लंदन यूनिवर्सिटी से जुड़े बताए गए प्रोफेसर एन जॉन कैम के एक ट्वीट को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से रीट्वीट किया गया। प्रोफेसर जॉन कैम द्वारा अंग्रेजी में हुए एक ट्वीट का हिंदी में सारांश यह है, योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजो, वह 24 घंटे में दंगा कंट्रोल कर देंगे। हालांकि इस ट्वीट की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। इस ट्वीट को योगी आदित्यनाथ ऑफिस के वेरिफाइड अकाउंट से रीट्वीट किया गया। इस रीट्वीट में लिखा गया, जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद दंगे भड़काता है, अराजकता फैलती है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो दुनिया सांत्वना की तलाश करती है। उत्तर प्रदेश के महाराज जी द्वारा स्थापित कानून एवं व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। ट्वीट की दुनिया में इस रीट्वीट के वायरल होते ही राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए लिखा, भाई भाई भाई, फिरंगियों की तारीफ के इतने भूखे हैं कि किसी भी फर्जी अकाउंट के ट्वीट से खुश हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,